Good afternoon to all of you. Myself Dr. Bijbhan, Assistant Professor of Botany. Today we will discuss another important topic of the algae, that is the algae of unusual habitat. We have already talked about the different terrestrial alga, aquatic alga, and later. Today we will discuss the algae of unusual habitat. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने कई लेक्चर्स ले चुका है एल्गी पे है. आज लेक्चर सीरीज का आठवां लेक्चर्स जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं हैबिटेट ऑफ एल्गी, इसमें जो थर्ड पार्ट है एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट. इससे पहले मैंने आपसे बात किया था कि टेरेस्ट्रियल एल्गा कौन कौन से होते हैं, हैबिट एक्वेटिक एल्गी कौन कौन से होते हैं. वहाँ से क्वेश्चन आपके TGT PhD इवन CSIR में भी क्वेश्चन आते रहते हैं. तो आप देखेंगे कि लगातार क्वेश्चन यहाँ से बनता रहता है. आपके एग्जाम में अगर आप देखें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, चाहे नीट का पेपर हो, चाहे TGT, चाहे PhD, चाहे GIC का, जहां भी देखेंगे एलगी का क्वेश्चन हमेशा रहा है लोअर बॉटनी के सेक्शन से. इवन जो एग्जाम आने वाला है हायर एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के, उसके लिए भी ये लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है. तो इसमें आज हम लोग बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट प्लेस पे जो एल्गी पाए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट एल्गा कौन से हैं और उनका नाम क्या है. सो लेट्स स्टार्ट टुडे लेक्चर्स एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट. तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर हम बात करें कि इससे पहले मैंने आपसे बात किया था कि एक्वेटिक एल्गी कौन से होते हैं, टेरेस्ट्रियल एल्गी कौन कौन से होते हैं और एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट की. आज हम लोग बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में बात करेंगे. इस तरह से देखेंगे अगर आप, तो हमने बात किया था अभी तक आपसे एक्वेटिक एल्गी के बारे में. एक्वेटिक एल्गी क्या होता है इसके क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे. इसके बाद हम लोगों ने बात किया था टेरेस्ट्रियल एल्गी के बारे में और आज हम लोग बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, जो इसका डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे एल्गी पाए जाते हैं. जैसा कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ एल्गी आर द एक्वेटिक इन नेचर. रोडोफाइसी ऐसा ग्रुप है, ऐसा एल्गा ग्रुप है जहां पे मोस्ट ऑफ द एल्गी आर द मैराइन इन नेचर्स होते हैं, ज्यादा एक्वेटिक एंड मैराइन नेचर होते हैं. इस तरह से देखेंगे फ्यू एल्गा टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ एल्गा क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे पाए जाते हैं, जैसे कुछ आइस में पाए जाते हैं, कुछ दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ दूसरे एनिमल के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ सिम्बियाटिक एसोसिएशन आ जाते हैं. तो ऐसे एल्गा जो सिम्बियाटिक एसोसिएशन इपिजोइक दूसरे प्लांट के बॉडी के ऊपर, कुछ दूसरे एनिमल के ऊपर इपिजोइक, कुछ दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर इंडो फिटिक एल्गा, तो कुछ क्रायोफाइटिक एल्गा अलग अलग प्लेस पे पाए जाते हैं. इसके लिए उनका नाम अनयूजुअल हैबिटेट है और ऐसे एल्गा से क्वेश्चंस लगातार आपके एग्जाम में रहता है. तो हमने बात किया था इससे पहले, अगर आपको याद हो तो हमने बात किया था हैबिटेट ऑफ एल्गी की. जब हम बात करते हैं तो हम देख रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट इन विच एल्गी आर द ग्रोइंग्स. मैंने आपको बताया था एक्वेटिक एल्गी, एडफिक एल्गी का मतलब क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन सोयल, जो सोयल में पाए जाते हैं. इसके बाद एरियल एल्गा, एरियल का मतलब जो एयर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं. क्रायोफिटिक एल्गा जो कहां पाए जाते हैं, स्नो आइस, उन एल्गा को कहते हैं. साथ साथ सिम्बियाटिक एल्गा या इंडोफिटिक एल्गा. सिम्बियाटिक एल्गा क्या होता है, दोज एल्गा विच आर ग्रोइंग अलोंग विद द अनदर प्लांट्स. जैसे एल्गी का ग्रो होना फंजाई के साथ ग्रो करना, दैट इज द सिम्बियाटिक एल्गा, दैट इज द लाइकेन, उसे कहते हैं लाइक. जहां एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं उन्हें कहा जाता है सिम्बियाटिक एल्गा, दैट इज द लाइकेन. तो आप देखोगे एल्गी का एसोसिएशन अगर फंजाई के साथ हो जाता है तो उसे कहते हैं सिम्बियाटिक एसोसिएशन, जहां पे दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते रहते हैं. इस तरह से आप देखेंगे इंडोजोइक एल्गा, ऐसा एल्गा जो दूसरे एनिमल के बॉडी में पाया जाता है उसे कहते हैं
एंडोजेइक एल्गा, साथ साथ आप देखते हैं पैरासिटिक एल्गा, ऐसा एल्गा जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट होता है उसे कहते हैं पैरासिटिक एल्गा। इंडोफाइटिक एल्गा ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर पाया जाता है उसे कहते हैं इंडोफाइटिक एल्गा। इस तरह से देखेंगे ये डिफरेंट नेम है जो अनयूजुअल हैबिटेट को शो करते रहते हैं। तो आज हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे, पहले लेक्चर में इसके पहले मैंने इसके बारे में बात किया था लेक्चर फर्स्ट में पार्ट वन में, पार्ट टू में हमने टेरेस्ट्रियल एल्गा के बारे में बात किया था, और आज पार्ट थ्री में हम लोग बात करेंगे एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिट के बारे में। ओके, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो आप देखेंगे, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो आप देखेंगे, तो इस तरह से देखेंगे ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पे जो एल्गा पाए जाते हैं उनका ये हैबिटेट है। ये देखिए, ये नाम आपको रिमेम्बर रखना, ये एल्गा बार बार आपसे एग्जाम में पूछ लेता है इन एल्गा के बारे में। जैसे देखो हाइड्रोफिटिक एल्गा, हाइड्रोफिटिक एल्गा जो वाटर में पाए जाते हैं, ऐसा एल्गा जो वाटर पाया जाता है उसे कहते हैं हाइड्रोफिटिक एल्गा। और जो ऐसे एल्गा एडफोफाइटिक एल्गा जो सॉइल में पाए जाते हैं, सॉइल में टेरेस्ट्रियल एल्गा जिसे कहते हैं, जो सॉइल पाए जाते हैं एल्गा कहते हैं एडफोफाइट्स कहा जाता है। एरोफाइट्स जो एयर में पाए जाते हैं एल्गा उन्हें कहते हैं एरोफाइट्स एल्गा कहते हैं। ऐसे ही आप देखो क्रायोफाइटिक एल्गा, क्रायोफाइटिक एल्गा मतलब जो स्नो और आइस में पाए जाते हैं, जो आइस में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है क्रायोफिटिक एल्गा। इस तरह से देखेंगे आपका इंडोफिटिक एल्गा, ऐसा एल्गा जो क्या होता है दूसरे प्लांट के बॉडी में पाया जाता है, इनसाइड द बॉडी ऑफ द प्लांट, इनसाइड द बॉडी ऑफ प्लांट। सिम्बियोटिक एल्गा, सिम्बियोटिक एल्गा जैसा कि मैंने बताया सिम्बियोटिक एल्गा जैसे लाइकेन में देखेंगे, लाइकेन में जहां दो प्लांट एक लाइकेन किसके साथ एल्गी क्या होता है फंजाई के साथ सिम्बियोटिक एसोसिएशन साथ में रहता है तो उसे कहते हैं सिम्बियोटिक। इंडोजोइक एल्गा कौन कौन से होते हैं, इंडोजूफाइट्स, इंडोजूफाइट्स होते हैं ऐसे एल्गा जो दूसरे एनिमल के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, इंडोजूफाइट्स कहा जाता है। दूसरा होता है पैरासिटिक एल्गा जो दूसरे प्लांट के ऊपर पाए जाते हैं। तो ये देखो डिफरेंट डिफरेंट आप लोग के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन लगातार आता रहता है, लगातार क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से आता रहता है कि इन एल्गा का नाम बताइए। साथ साथ हम लोग देखिए आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन लगातार आता है। इसके अलावा मैंने आपको कुछ एल्गा का नाम बताया था, अगर आपको रिमेम्बर हो बेंथोफाइट्स क्या होते हैं, इपैक्टिफाइट्स क्या होते हैं, थर्मोफाइट्स क्या होते हैं जो हाई टेम्परेचर में क्या करते हैं, प्लैंक्टोफाइट्स क्या होते हैं इनके बारे हम लोगों ने चर्चा किया था, हैलोफाइट्स क्या होते हैं जो हैलाइन वाटर पाए जाते रहते हैं, इपीफाइट्स क्या होते हैं, इपीजूफाइट्स क्या होते हैं हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा किया था। तो ये डिफरेंट नेम जो आपका एल्गी का है ना, ये कई बार जो सॉयल में मड के पास में या कहते हैं बॉटम से टच रहते हैं उसे कहते हैं बेंथोफाइट्स कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था सबके बारे में एक एक करके चर्चा किया था। आज हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे कि एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में बात करेंगे, एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट के बारे में बात करेंगे और जानेंगे अनयूजुअल हैबिट में कौन कौन से आते रहते हैं। पहला सबसे पहले कौन है, लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स एल्गा कौन से होते हैं आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। लिथोफिटिक एल्गा ऐसे एल्गा दैट ग्रो ऑन रॉक एंड वॉल्स, ऐसे एल्गा जो वॉल और रॉक पे ग्रो करते हैं, जो चट्टान पे ग्रो करते हैं, लिथो मींस रॉक्स, जो रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं उसे कहते हैं लिथोफिटिक एल्गा। ये भी एग्जाम में कई बार आता है लिथोफिटिक एल्गा, तो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे इस तरह से लिथोफिटिक एल्गा, इसके एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा। मैंने दिखाया गया है यहाँ पे कोलियोचिट्स, देखिए लिखा गया है, अगर आपको ध्यान हो देखो एस्टियोनिमा कैलोथ्रिक्स, एस्टियोनिमा और कैलियोथ्रिक्स, ये जो आपके एल्गा है ना, ये देखिए कैलियोथ्रिक्स एस्टियोनिमा जो क्या करते हैं रॉक के ऊपर ग्रो करते हैं। इस तरह से अगर आप देखोगे तो यहां पे देखिए दिया हुआ है लिथोफिटिक एल्गा कौन कौन से होते हैं, लिथोफाइट्स,
मेनी ऑफ द एल्गी ग्रो ऑन द रॉक्स एंड वॉल. जो रॉक्स एंड वॉल पे ग्रो करते हैं उन्हें लिथोफाइट्स कहा जाता है. दे आर द स्पीसीज ऑफ द साइटोनिमा ग्रो ऑन द वॉल ऑफ द रेनी सीजन्स एंड द होल वॉल बिकम द ब्लैक स्पॉटेड. कहा जाते हैं जो स्पीसीज होती है साइटोनिमा की स्पीसीज होती हैं वो क्या वॉल पे रेनी वॉल पे ग्रो करती हैं. बरसात पड़ती है जो रेन वॉल होती है उन पे ग्रो कर जाती है पूरा ब्लैक ब्लैक स्पॉट बना देती हैं. और याद रखिएगा किसकी स्पीसीज की, याद रखिएगा साइटोनिमा, साइटोनिमा की स्पीसीज के साथ में सका रहा है. तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए हो गया. साथ साथ बाउचेरिया, बाउचेरिया की स्पीसीज होती है नॉस्टॉक एंड मेनी अदर ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी as well as green alga grow on the wall of the rainy season. जो नवासपात आपको याद रखना है लिथोफाइट्स का मतलब क्या होता है. ऐसा एल्गा जो रॉक्स पे जो मॉइस्चर वॉल पे ग्रो करते रहते हैं कहते हैं उन्हें कहते हैं लिथोफिटिक एल्गा कहा जाता है. इनके एग्जाम्पल में याद रखिएगा आप लोग साइटोनिमा, साथ साथ जो होता है साइटोनिमा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइटोनिमा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए. दूसरे जो एल्गा आपके होते हैं साथ साथ में आपको देखिए नॉस्टॉक, नॉस्टॉक क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है. और कुछ स्पीसीज जो होती हैं बाउचेरिया की वो भी क्या करती हैं ग्रो करती रहती हैं वॉल के ऊपर. तो ये आपको रिमेम्बर करने की जरूरत है. साथ साथ देखेंगे आप हैलोफाइटिक एल्गा, हैलोफिटिक एल्गा कौन कौन से होते हैं, हैलोफिटिक एल्गा कौन कौन से होते हैं ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है. अगले जो है ऐसे एल्गा जो देखिए हैलोफिटिक एल्गा ऐसे एल्गा जो एल्गी ऑफ द वाटर ऑफ द हाई साल्ट जो सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं, जो साल्ट वाटर में ग्रो करते हैं जहां पे क्या होता है ज्यादा साल्ट पाता है ऐसे वाटर में कहते हैं, ऐसे एल्गा कहते हैं हैलोफिटिक एल्गा जो सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं वाटर ऑफ द हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं उन्हें कहते हैं हैलोफिटिक एल्गा. जैसे दिखा गया डुनेलिया, डुनेलिया सैलाइना, प्रेसियोला, उल्बा. याद रखिए उल्बा बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आया उल्बा, उल्बा हैलोफिटिक एल्गा का एग्जाम्पल बताइए. उल्बा का नाम याद रखिएगा ये कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है आपको इसको ध्यान रखना है. साथ साथ हैलोफिटिक का मतलब क्या होता है जो एल्गा हाई सैलाइन वाटर में ग्रो करता है हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करता है उसे हैलोफाइट्स कहते हैं. डुनेलिया सैलाइना, प्रेसियोला, उल्बा इनका नाम आपको रिमेम्बर करने की जरूरत है. देखो इसके अलावा कौन कौन से एल्गा होते हैं ये भी आपको ध्यान देने की जरूरत है. जैसे लिखा गया है एल्गी अकर इन द सैलाइन वाटर्स, इसके बाद हैलोफाइट्स. अब यहां पे बहुत सारे एग्जांपल आर डुनेलिया, क्लेमाइडोमोनास की कुछ स्पीसीज पाई जाती रहती हैं जो हाई साल्ट कंडीशन में पाई जाती रहती हैं. स्पीसीज आप स्कैंडस्मस, एफेनोकॉर्पस, पेरियस्ट्रम, एफनोथेसिया, ऑसिलेटोरिया और फाउंड इन द सैलाइन वाटर. ये सारे जो एल्गा के नाम मैं ले रहा हूँ ये सब के सब क्या है सैलाइन वाटर में ग्रो करते हैं. इनकी कुछ न कुछ स्पीसीज सैलाइन वाटर में ग्रो करती रहती है. और देखिएगा द स्पीसीज ऑफ द इंटेरोमॉर्फा और फाउंड इन द इनलैंड एस्चुरीज, इनलैंड एस्चुरीज में पाई जाती रहती हैं. और क्या ओलवेल्स, इलोट्राइकल्स, कॉन्जुगल्स, बहुत सारे जो है साल्ट के वाले इन्वायरमेंटल कंडीशन में ऐसे हाई साल्ट वाटर में ग्रो करते रहते हैं. तो कुछ कॉमन एल्गा का नाम आप जरूर याद रखिएगा. जो कॉमन एल्गा की मैं बात करूं तो ये याद जरूर रखिएगा जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है हैलोफिटिक का, ये उल्बा, प्रेसियोला, डुनेलिया सैलाइना, इन एल्गा का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता रहता है. एपिफिटिक एल्गा, एपिफिटिक एल्गा, गुड आफ्टरनून पासना जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून. देखिए अब हम लोग बात करेंगे एपिफाइट्स क्या होता है. एपिफाइट्स जैसा कि जानते हैं एक एल्गा जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है और बिना किसी उससे सपोर्ट लेता है लेकिन एक दूसरे को क्या करता है. देखिए एल्गी दिखा हुआ है, एल्गी
growing on the other plants and bigger alga members. कहते हैं एक एल्गा जब दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करता है उसे कहते हैं एपीफाइट्स। एपीफाइट्स कहते हैं, एपीफाइट्स में क्या होता है, एक प्लांट को तो बेनिफिट होता है, दूसरे को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म भी कहा जाता है, जहां पे क्या होता है, एक को प्लस होता है, दूसरे क्या होता है, जीरो होता है। तो एपीफाइटिक एल्गा ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं, या अपने ही ग्रुप के कुछ बड़े जो जो लार्जर एल्गा होते हैं उनके बॉडी के ऊपर ग्रो करते हैं। एक छोटा एल्गा जो होता है किसी बड़े एल्गा के ऊपर ग्रो करे तो वो भी क्या है, एपीफाइट का एग्जाम्पल होगा, जैसा कि हमको देखने को मिलता है। साथ साथ या एल्गा किसी दूसरे प्लांट के एल्गी ना होकर के कोई दूसरा प्लांट उसके बॉडी पर ग्रो कर रहा है तो भी क्या कर रहा है, एपीफाइटिक एल्गा होता है। जैसे आप देख सकते हो बल्बोचेट्स, उडोगोनियम, उडोगोनियम इसका एग्जाम्पल है। एपीफाइटिक एल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है, एपीफाइटिक एल्गा का नाम बताइए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून अंशुमान जी, गुड आफ्टरनून। तो आप देखेंगे उडोगोनियम, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उडोगोनियम, उडोगोनियम जो आता रहता है आपके एग्जाम में है, ध्यान रखने की जरूरत है। देखो और कोलियोचेट्स, ये क्या है, ग्रीन एल्गा है। ग्रीन एल्गा कोलियोचेट्स जो क्या करता है, एपीफाइट के रूप में ग्रो करता है। तो याद रखिएगा उडोगोनियम और कोलियोचेट्स ये दोनों एग्जाम्पल हैं एपीफाइटिक एल्गा का, जो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में, टीजीटी पीएचटी और नीट के पेपर में देखिए कई बार क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इस तरह से देखोगे आप, इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गा हैं जो मैं नाम देखिए पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो मैंने एल्गा फाउंड अपॉन द, जैसे देखिएगा इसके अलावा क्या है, कौन कौन से एल्गा, एफेनोचिट्स, बाल्बोचिट्स, उडोगोनियम। उडोगोनियम इंपॉर्टेंट है, उडोगोनियम ये इंपॉर्टेंट, उडोगोनियम आपके एग्जाम के लिए है। उडोगोनियम माइक्रोस्पोरा फाउंड एज द एपीफाइट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कोलियोचिट्स, वाउचेरिया, उडोगोनियम। उडोगोनियम मेन रूप से याद रखिएगा। और इसके अलावा कुछ स्पीसीज है, उडोगोनियम, क्लाडोफोरा, राइजोनियम, वाउचेरिया एंड हाइड्रोडिक्टियंस, दीज आर द डिफरेंट स्पीसीज विच आर फाउंड इन द, फाउंड एज ए एपीफाइटिक एल्गा, जो दूसरे एल्गा दूसरे प्लांट के पास या कहते हैं उनकी बॉडी के साथ में टच होकर के उसके ऊपर ग्रो करते हैं, या किसी अपने ही ग्रुप के दूसरे एल्गा के बॉडी के ऊपर ग्रो करते रहते हैं उसे कहते हैं एपीफाइटिक एल्गा। याद रखिएगा क्वेश्चन आता रहता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता रहता है, यहाँ से है। इसके अलावा आप देखोगे, ये आपको मैंने नाम बता दिया है उडोगोनियम, कौन कौन से नाम याद रहेंगे, बल्बोचिट्स, उडोगोनियम और कोलियोचिट्स, ये नाम रिमेंबर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एपीफाइटिक एल्गा का नाम थे। उडोगोनियम तो कई बार आ चुका है, एरोफेटिक एल्गा कौन कौन से होते हैं, एरोफेटिक एल्गा के बारे में देखिए आप लोग, एरोफेटिक एल्गा क्या होते हैं, देखो एरोफेटिक एल्गा ऐसे एल्गा जो एयर में पाए जाते हैं, एयर में पाए जाते हैं उसे कहते हैं एरोफेटिक एल्गा। ऐसे एल्गा निकल गया, एल्गी आर फाउंड इन द एरियल हैबिटेट, जो एरियल एयरियल हैबिटेट में पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है एरोफाइट्स। एरोफाइट्स दे आर लिव इन द मॉइस्ट रॉक्स, वॉल्स, ट्री ट्रंक्स, फेंसिंग वॉल्स, टेलीग्राफ पोल्स। कहने का मतलब क्या है, ऐसे एल्गा जो एरोफाइट्स पाए जाते हैं, जो एयर हैबिटेट में पाए जाते हैं, जो वायु में पाए जाते हैं, किसी वायर के ऊपर ग्रो कर जाते हैं एयर में, या कहते हैं कोई वाल हो उसके ऊपर क्या हो, लटकते हुए रहते हैं एल्गा। यहाँ पे देखिएगा ट्री ब्रांचेस हो उससे लटका हुआ एयर में हो, ऐसे ट्री ट्रंक, ट्री की ब्रांचेस होती है, या फेंसिंग वायर हो उसके ऊपर ग्रो कर जाता हो, या कहते हैं टेलीग्राफ जो पोल होता है उसके लटका हुआ उससे एल्गा हो, तो जो एयर में क्या करता हो, लटका हो किसी
सबस्टेटम से अटैच होकर के, उसे कहते हैं एरोफिटिक एल्गा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, एग्जाम में आता रहता है। देखो, सच एल्गा आर द एरियल इन हैबिटेट, एरियल इन हैबिटेट होता है, जो एरियल इन हैबिटेट होता रहता है। दे आर फाउंड अपॉन द ट्रंक ऑफ द ब्रांचेस, ट्रंक ऑफ ब्रांचेस पाए जाते रहते हैं। और इनके एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, एपिलोफाइट्स, एपिफिलोफाइट्स कुछ होते हैं, इनके बारे में बताऊंगा। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे जो एरोफाइट्स एल्गा होते हैं, एरोफिटिक एल्गा होते हैं, जो एयर पाए जाते हैं, फर्दर ये क्या होते हैं, दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स होता है, एपिफिलोफाइट्स होता है और एपिफ्लोफाइट्स होता है। इसके बारे में एरोफाइट्स भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है एपिफिलोफाइट्स, दूसरा होता है एपिफ्लोफाइट्स होता है। मैं इसकी चर्चा अभी आगे करता हूँ। देखिए, देखो एरोफाइट्स दो तरीके के होते हैं। अब आता है आपके सामने एपिफिलोफाइट्स, एपिफिलोफाइट्स कहते हैं ऐसा एपिफिटिक एल्गा, ऐसा एपिफिटिक एल्गा जो होता है, ऐसा एपिफिटिक एल्गा जो होता है, अगर आप देखोगे ऐसा एपिफिटिक एल्गा फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ अदर प्लांट्स। फिलो मीन्स क्या होता है, लीफ। एपी मीन्स क्या होता है, उसके ऊपर। फिलो मीन्स क्या होता है, लीफ। किसी प्लांट के लीफ पे जो एल्गा ग्रो करता है उसे कहते हैं एपिफिलोफाइट्स। फिलो मीन्स क्या होता है, लीफ। फाइटा मीन्स क्या होता है, प्लांट होता है। एपी मीन्स उसके ऊपर। ऐसा एल्गा जो उस प्लांट के लीफ के ऊपर ग्रो करता है उसे कहते हैं एपिफिलोफाइट्स। एग्जाम में आ जाएगा, आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए आपके इंपॉर्टेंट है। गुड आफ्टरनून अंकुर जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून रंजना जी, आप सबका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे है। और देखिए, जो सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता रहता है। देखो, एपिफाइट्स एल्गा फाउंड ऑन द लीव्स ऑफ द अदर प्लांट्स, नाम से पता चल रहा है। फिलो मीन्स क्या होता है, फिलो मीन्स होता है लीफ, लीफ। फाइटा मीन्स क्या होता है, प्लांट। एपी मीन्स ऑन द एबव, उसके ऊपर, उसके लीफ, प्लांट के लीफ के ऊपर जो ग्रह करता है एपिफिलोफाइट्स होता है। इनका एग्जाम्पल याद रखो, ट्रेंटिफोलिया, सिफेल्यूरोस, वेरी मच इंपॉर्टेंट सिफेल्यूरोस, जो क्या करता है, एक पैरासिटिक एल्गा है, जो क्या है, एक सेफिलोरास क्या है, एक पैरासिटिक एल्गा है, जो एक एग्जांपल है एपिफिलोफाइट्स, जो दूसरे के लीफ पे ग्रो काल करता है। ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, सेफिलोरास पैरासिटिक एल्गा का नाम, मैं आगे चर्चा करूंगा। फिलहाल ये भी याद रखिए, ये और किसी का एग्जांपल भी हो सकता है एपिफिलोफाइट्स, जो दूसरे प्लांट के लीफ पे ग्रो करता रहता है। सेफिलोरास वायरसेंस, जो क्या करता है, डिजीज काज करता रहता है। ठीक है, इस तरह से देखोगे, इस तरह से देखोगे आप लोग। अगला हमारे पास है एपिफ्लोफाइट्स। देखो क्या करने का मतलब क्या होता है इसका, एपिफ्लोफाइट्स, ये भी आपके एग्जाम में आता रहता है। एपी, अगला है आपके सामने एपिफ्लोफाइट्स, एपिफ्लोफाइट्स, एपिफ्लोफाइट्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। एपिफ्लोफाइट्स क्या होता रहता है, ध्यान रखने की जरूरत है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। दैट एल्गा ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्री अलोंग विथ मॉसेस एंड लीवर बर्ड्स। ऐसे एल्गा जो ट्री ब्रांच पे ग्रो करते हैं, जो ट्री ब्रांच पे ग्रो करते रहते हैं, ट्री ब्रांच आप ग्रो करते हैं, ट्री की बार्क से, जो ट्री होता है, जो पेड़ है, उसकी छाल से पे ग्रो करते हैं, साथ साथ किसके साथ में, लीवर और मासेस, जो ब्रायोफाइट्स भी उनके साथ ग्रो करता रहता है। अगर कोई ट्री है उसकी बार के ऊपर ब्रायोफाइट, लीवर वर्ट और मास ग्रो कर रहा है, उसके साथ अगर एल्गा ग्रो कर रहा है, उसे कहते हैं एपिफ्लोफाइट्स। याद रखिएगा, एपिफ्लोफाइट्स कहा जाता है। दोज ग्रो ऑन द बार्क ऑफ ट्री अलोंग विद द लीवर वर्ट एंड मासेस, जो दूसरे ब्रायोफाइट के साथ ग्रो करता है, ये इंपॉर्टेंट है। साइटोनीमा, साइटोनीमा को याद रखना, एपिफ्लोफाइट्स का एग्जांपल है साइटोनीमा, जो कभी कभी क्या करता है, लीवर वर्ट और मॉसेस के साथ में भी ग्रो करता रहता है। देखिए विवाह जी, एकदम बिल्कुल सही आपने बोला है, सेफिलोरास क्या करता है,
टी एंड कॉफी में क्या करता है, डिजीज कॉज कराता है, उसे पैरासिटिक एल्गा कहते हैं। मैं आगे चर्चा करूंगा, जरूर आगे बताता हूं। तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा ईपी फ्लोफाइट्स क्या होता है। ये देखिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल आप एल्गा का नाम याद कर लेते हैं, ईपी फाइट्स क्या होता है, एक्वेटिक का नाम याद करते हैं, लेकिन कुछ कॉमन टर्म है जो यूज किए जाते हैं एल्गा के अनयूजुअल हैबिटेट के लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन आएगा वो सभी कर लेंगे अगर आपसे पूछ लेगा, लेकिन अनयूजुअल हैबिटेट के जो एल्गा होते हैं ना, वो इंपॉर्टेंट होते हैं, जो स्पेसिफिक करेक्टर लिए हुए होते हैं। और ऐसे एल्गा को जब कभी पूछ लेता है तो क्वेश्चन बहुत टिपिकल हो जाता है, इसलिए इन एल्गा को जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इन्हीं की मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ। देखो जैसे देखिए क्या है, और भी एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए लिखा ईपी फ्लोफाइट्स के, जैसे लिखा हुआ है फोर मीडियम, हेप्लोसाइफॉन, साइजोथ्रेक्स ग्रो ऑन द बार्क ऑफ द ट्री मिक्स विद द लीवर वर्ट। मैंने कहा साइटोनीमा तो पाया ही जाता था, इसके अलावा जो एल्गा ग्रो करते हैं फोर मीडियम, इनको भी ध्यान रखिएगा, इनको भी ध्यान रखिएगा। फोर मीडियम हो गया, हेप्लोसाइफॉन हो गया, साइजोथ्रेक्स हो गया, ये ग्रो करते हैं दूसरे मासेस ऑफ लीवर वर्ट के साथ में ट्री बार के ऊपर। तो ये भी कभी आपसे एग्जाम में पूछ लेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ए सेंस कि टर्म क्या है, ऐसे टर्म आएंगे आप कंफ्यूज जाएंगे, ईपी फ्लोफाइट्स क्या होता है, ईपी फिलोफाइट्स क्या होता है, तो टर्म को पकड़ने का प्रयास करिए तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्रायोफाइट्स क्या होता है। क्रायोफाइट्स क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ है। क्रायोफाइट्स क्या होता है, व्हाट इज क्रायो, क्रायो मींस क्या होता है, आइस या स्नो होता है, आइस या स्नो होता है। ऐसे एल्गा जो किसी स्नो बर्फ में ग्रो करते हैं, आइस में ग्रो करते हैं, उन्हें कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गा। उन्हें क्या कहते हैं, क्रायोफिटिक एल्गा, उनको कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गा कहते हैं, उनको कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गा कहते रहते हैं। द एल्गी ग्रो इन आइस आर स्नो, द एल्गा ग्रो ऑन द आइस आर स्नो, दैट इज नोन एज क्रायोफिटिक एल्गा। themselves at the freezing temperatures, उस फ्रीजिंग टेम्परेचर पे भी ग्रो कर देते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पे ग्रो करने वाले एल्गा कहते हैं क्रायोफिटिक एल्गा। आपको होपफुली समझ में आ रहा होगा। देखो और क्या करते हैं, उस बर्फ के ऊपर डिफरेंट कलर को इंपार्ट करते रहते हैं। देखिए लिखा गया दे इंपार्ट वेरियस कलर्स लाइक रेड ग्रीन येलो टू द स्नो, और स्नो के ऊपर बर्फ के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कलर इंपार्ट कर देते हैं, क्योंकि इनके जो पिगमेंट मॉलिक्यूल होते हैं ना वो डिफरेंट कलर के होते हैं, और डिफरेंट कलर के पिगमेंट मॉलिक्यूल को वैसे क्या होता है, डिफरेंट कलर आप आइस के ऊपर क्या करते हैं, क्रिएट कर देते हैं, इसलिए इनको उस नाम से भी जाना जाता रहता है, उस नाम से भी जाना जाता है। ओके, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून। तो इस तरह से देखोगे, जैसे क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस एक स्पीसीज है, ये क्या करता है, रेड कलर इंपोर्ट करता रहता है, आइस के ऊपर होता है। इस तरह से देखेंगे, देखिए ये रेड कलर कर रहा है, इंपोर्ट है, रेड कलर इंपोर्ट कर रहा है, तो आइस के ऊपर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर इंपोर्ट करते रहते हैं। ऐसे एल्गा को याद रखिएगा, बहुत पूछता रहता है कि वो कौन सा एल्गा है जो बर्फ में ग्रो करता रहता है, याद रखिएगा। इसके अलावा कौन सी स्पीसीज और होती हैं, इनके बारे में बता रहा हूं। देखो इसके अलावा जो स्नो और उस पर ग्रो करते रहते हैं उन एल्गा के बारे में आप जानिए, जैसे मैंने लिखा गया है रेड स्नो एल्गा, ग्रीन स्नो, येलो स्नो, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर क्या करते हैं, आइस के ऊपर इंपार्ट करते रहते हैं। जैसे देखो इन यूरोपियन कंट्री स्पेशली इन द आर्कटिक रीजन, जो यूरोपियन कंट्री है आर्कटिक रीजन के अंदर क्या कहते हैं, ग्रीन स्नो इज कॉज्ड बाय, ग्रीन स्नो इज कॉज्ड बाय, ग्रीन स्नो इज कॉज्ड बाय द क्लेमाइडोमोनास। क्लेमाइडोमोनास क्या करती है, ग्रीन स्नो कलर करता है। क्लेमाइडोमोनास किस क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट मॉलिक्यूल रखता रहता है, तो क्लोरोफाइसी का मेंबर है, क्या करता है, ग्रीन कलर इंपोर्ट करता रहता है, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर भी इंपोर्ट करते रहते हैं। फिर क्या आता है, एकिस्टोडर्मस, मेजोटेनियम्स, रेड स्नो इन द कॉज्ड बाय द स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास, स्कॉटिएला, ग्लियोकैप्सा,
एंड डाइटम्स, याद रखिएगा रेड कलर जो आइस का इंपोर्ट होता है किन स्पीसीज होता है, क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, इसकी स्पीसीज है, आया हुआ एग्जाम में क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, रेड स्नो कॉज करता है, रेड स्नो, रेड और स्कॉटियला ये भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट, ग्लियोकैप्सा ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आने की संभावना है, और डाइएटम्स क्लेमाइडोमोनास निवेलिस स्पीसीज और स्कॉटियला ग्लियोकैप्सा डाइएटम, ये क्या करते हैं बार के ऊपर रेड कलर इंपोर्ट करते रहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है। क्रायोफिटिक एल्गा का नाम बताओ, या तो पूछ लेता है या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गा विच इंपोर्ट द रेड कलर ऑन द स्नो, वो कौन सा एल्गा है जो रेड कलर इंपोर्ट करता है, क्लेमाइडोमोनास की कौन सी स्पीसीज है, तो याद रखना क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, निवेलिस ये पूछता है, स्कॉटियला ग्लियोकैप्सा है डाइएटम्स, कुछ एल्गा क्या होते हैं जैसे कुछ एल्गा क्या करते हैं ग्रीन कलर इंपोर्ट करते हैं क्लेमाइडोमोनास की स्पीसीज करती रहती है। रंजना जी क्या बोल रहे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द एडाप्टेशन ऑफ क्लोरोफिल, ओके आई विल टॉक, क्या लिखा है क्लियर नहीं पता चल रहा आपका, चलिए देखें आप लोग, तो इस तरह से देखोगे क्रायोफिटिक एल्गा आपके एग्जाम में आया हुआ है और कई बार आता है, यहां तक आप लोगों को समझ में आया, एक बार मेरे को रिस्पांस करो, सभी लोग रिस्पांस करो, आप लोग को समझ में आया, सभी लोग रिस्पांस करिए, रंजना जी राहुल जी जितने भी हो आप लोग बताओ मेरे को, एवरीबडी अंकुर गुड आफ्टरनून, और जितने भी अंशुमान जी समझ में आ रहा है आप लोग को क्रायोफिटिक एल्गा, कोई प्रॉब्लम, होपफुली आपको करना क्या है यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्या ना एल्गे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो यही पूछ लेता है क्रायोफिटिक एल्गा का नाम बताओ, या उससे ज्यादा अगर बढ़ गया आगे तो पूछ लेता है रेड स्नो, रेड स्नो द एल्गा विच कॉज द रेड कलर ऑफ द स्नो दैट इज नोन एज द स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनास विच कॉज रेड स्नो दैट इज द क्लेमाइडोमोनास निवेलिस, ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो याद रखने की जरूरत, अगर इसके अलावा कोई नाम देता है स्कॉटियला ग्लियोकैप्सा डाइएटम्स इनके नाम को भी रिमेंबर आप किए रहिए जो एग्जाम में आपसे आ जाता रहता है। आगे मैं बढ़ता हूं, चलो अच्छी बात है सबको समझ में आ रहा है, ओके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से आपने देखा इंडोफाइटिक एल्गा क्या होता है, इंडोफाइटिक देखिए नाम को मैं कहता हूं ना, नाम को अगर आप समझ लोगे तो अपने आप आपको याद रहेगा, इंडो मींस क्या होता है इनसाइड, फाइटा मींस क्या होता है प्लांट, जो प्लांट के इनसाइड बॉडी में पाया जाए उस एल्गा को क्या कहेंगे इंडोफिटिक एल्गा, इसे क्या कहेंगे इंडोफिटिक एल्गा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, दीज आर द एल्गी विच ग्रो विद इन द अदर प्लांट, जो दूसरे प्लांट के बॉडी के अंदर पाए जाते हैं उसे कहते हैं इंडोफिटिक एल्गा, इंडो मींस इनसाइड फाइटा मींस प्लांट, ऐसा एल्गा जो दूसरे प्लांट के बॉडी के इनसाइड पाया जाता है उसे कहते हैं इंडोफिटिक एल्गा, याद रहेगा याद रहना चाहिए आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एनाबीना नाम सुना होगा नॉस्टॉक, ये क्या होता है दूसरे प्लांट के इनसाइड बॉडी में ग्रो करते रहते हैं, एग्जाम्पल देखो आपके एग्जाम में कौन कौन सा आया हुआ है, देखो जैसे दिया गया है सेवरल एल्गा ग्रो एज द इंडोफिटिक इंडोफाइट्स इन द टिश्यू ऑफ द अदर प्लांट्स, जैसे देखिए दिया हुआ आपके एग्जाम में है इंपॉर्टेंट है, जैसे एनाबीना एजोला, एनाबीना एजोलाई जो फैमिली प्लांट जो एल्गा है ना एनाबीना एजोलाई जो कहां पाया जाता है, एनाबीना क्या है ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो कहां पाया जाता है इनसाइड द लीफ ऑफ द एजोला, एजोला क्या है टेरिडोफाइट, बहुत बार आया एग्जाम में ऐसा एल्गा बताओ जो एजोला के लीफ में पाया जाता है, कौन है एनाबीना, एनाबीना एजोलाई, एनाबीना एजोलाई जो एल्गा है ये कहाँ पाया जाता है जो टेरिडोफाइट्स है एजोला उसकी लीफ में पाया जाता है, ये कई बार आपके एग्जाम में है। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू, विभा जी पूछ रही है क्रायोफिटिक एल्गा ब्लू ग्रीन एल्गल ब्लूम्स कॉज करता रहता है, बताऊंगा डोंट वरी, एल्गल ब्लूम पे आता हूं,
एल्गल ब्लूम पे आता रहता हूँ, जो बताऊंगा क्या कारण है एल्गल ब्लूम्स होता है और कितना हार्मफुल और बेनिफिशियल हो सकता है एल्गल ब्लूम, एक अलग सेपरेट टॉपिक लेके आऊंगा। अभी आप सिर्फ नाम याद करिए क्रायोफिटिक एल्गा। अभी मैं क्या पढ़ रहा हूँ, हैबिटेट ऑफ एल्गी। आगे जस्ट अगला टॉपिक आने वाला है ब्लू एल्गल ब्लूम्स के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। देखिए इसके अलावा ये भी कई बार एग्जाम में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है एना बिना साइकेडी, इना बिना साइकेडी। एना बिना कहाँ पे आता है, एना बिना साइकेडी एल्गा जो होता है वो फाउंड इन द कोरोलॉयड रूट ऑफ द साइकस के कोरोलॉयड रूट में एना बिना साइकेडी एल्गा पाया जाता है। साइकेडी का मतलब क्या, उसकी स्पीसीज है एना बिना की स्पीसीज साइकेडी जो है ना उसके कोरोलॉयड रूट में पाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, याद कर लेना, लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर क्या लिखा है, नॉस्टॉक, नॉस्टॉक फाउंड इन द लीव ऑफ द स्पैग्नम, ब्रायोफाइटा एंड सेवरल एंजियोस्पर्म। नॉस्टॉक क्या पाता है, आपको पता होगा नॉस्टॉक कहाँ पाता है, आपने पढ़ा एंथोसिरास, एंथोसिरास एक ब्रायोफाइटा ना, एंथोसिरास एक ब्रायोफाइट है, उसके भी थैलस में क्या होता है ये सब पाए जाते रहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आता है, सिम्बियाटिक एल्गा का नाम बताओ। सिम्बियाटिक, जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि ऐसा एल्गा जो दूसरे प्लांट के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन रखता है उसे कहते हैं सिम्बियाटिक, जो दूसरे के साथ रहता है और म्यूचुअल बेनिफिशियल होता है, उसको भी बेनिफिट करता है खुद को बेनिफिट लेता है, जहां पे क्या होता है प्लस प्लस का रिलेशन होता है, दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। एल्गी जब किसी फंजाई के साथ रहता है सिम्बियाटिक एसोसिएशन में तो उसे कहा जाता है लाइकेन। लाइकेन का निर्माण एल्गी और फंजाई के मिलने से होता है, जैसा आप सभी जानते हो। क्या कर रहा राहुल जी, ओके चलिए देखिए आप लोग, सिम्बियाटिक एल्गा क्या होता है फुली आपको समझ में आ रहा होगा। मेनी एल्गा फॉर्म सो सिम्बियाटिक रिलेशनशिप विद द फंजाई, बहुत सारे एल्गा क्या होते हैं फंजाई के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन करते रहते हैं और लाइकेन का निर्माण करते रहते हैं। याद रखिएगा जब एल्गी का रिलेशन फंजाई के साथ हो जाता है तो उसे कहते हैं लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी क्या करता है एल्गी क्या करता है फोटोसिंथेटिक नेचर का होता है, फूड मटेरियल बनाता है लाइकेन में, और फंजाई क्या करता है, फंजाई हेटरोट्रॉपिक होता है जो भोजन नहीं बना सकता है। जब वो भोजन नहीं बना सकता है तो भोजन की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, एल्गी करता है, और एल्गी क्या है और फंजाई उसकी रिप्रोडक्टिव पार्ट उसके बॉडी पार्ट को बनाता रहता है उसका माइसीलियम, तो इस तरह से एक दूसरे को दोनों बेनिफिशियल होते हैं, इसे कहते हैं सिम्बियाटिक एल्गा। आपसे एग्जाम में पूछ लेगा सिम्बियाटिक एल्गा का नाम बताओ, तो लाइकेन देखिए है ना, लाइकेन में, और इसमें कौन कौन से आते हैं बेसिकली, इसके अलावा और भी नाम जान लो सिम्बियाटिक एसोसिएशन में कौन कौन और भी जुड़ते रहते हैं। सिम्बियाटिक एल्गा जैसे देखिए दिया हुआ है, मेनी एल्गा ग्रो इन द मेनी एल्गा, देखो लिखा हुआ है मेनी एल्गा ग्रो इन द सिम्बियाटिक एसोसिएशन विद द अदर प्लांट्स। देखो जैसे लाइकेन का तो मैंने आपको एग्जांपल बता दिया है, वेरियस मेंबर ऑफ मिक्सोफाइसी यानी साइनोफाइसी के ज्यादातर मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, क्रोनोकोकस, नास्टाक, माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोकैप्सा, साइटोनीमा, रिबुलेरिया, इटीसी हैव बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लाइकेन। यानी लाइकेन के अंदर जो फंजाई के साथ एसोसिएशन करते रहते हैं जो एल्गा करते रहते हैं उनका नाम क्या है, मोस्टली साइनोफाइसियन एल्गा होते हैं। कौन कौन, एनाबिना, नॉस्टाक, माइक्रोसिस्टिस, ग्लियोकैप्सा, रेगुलेरिया, ये सब क्या है, और कुछ ग्रीन एल्गा भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं जो लाइकेन के बनाने में। चलिए तो आप इस तरह से देखेंगे कि अंशुमान जी बोल रहे हैं फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल सही आपने बोला है कि क्या है लाइकेन में एल्गी क्या करता है फोटोसिंथेसिस करता है और फूड मटेरियल बनाता रहता है, और फंजाई क्या करता है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एज वेल एज बॉडी पार्ट बनाता है विद द हेल्प ऑफ माइसीलियम की सहायता से बनाता है। तो इस तरह से देख रहे हो कि अगर आपसे पूछे लाइकेन के अंदर
कौन सा एल्गा सबसे ज्यादा फंजाई के साथ एसोसिएशन करता है, तो बीजिए ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ग्रीन एल्गा, कुछ ग्रीन एल्गा भी पार्टिसिपेट करते हैं, कोको मिक्सा, क्लोरेला, प्रोटोकोकस, पालमेला और फाउंड इन द सिम्बियाटिक एसोसिएशन विद द लाइकेन। ये क्वेश्चन आ सकता है, कौन से दो एल्गा ग्रुप लाइकेन के साथ क्या लाइकेन में फंजाई के साथ सिम्बियाटिक एसोसिएशन करते हैं, तो कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी। ये दो ही एल्गी क्या करते हैं, सिम्बियाटिक एसोसिएशन लाइकेन में करते हैं, कभी भी आ जाएगा और कई बार एग्जाम में आया है। ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप के मेंबर्स एनाबिना, नास्टाक, साइटोनिमा, ग्लियोकैप्सा, रेबुलेरिया, इन सब का नाम याद रखना, और साथ साथ इधर याद रखना कौन कौन, क्लोरेला हुआ, प्रोटोकार्पस हो गया, कोको मिक्सा हो गया और पालमेला, जो ग्रीन एल्गा है ये भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, ये सब भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं। देखो आगे देखेंगे आप, मैंने बताया सिम्बियाटिक एल्गा, इंडोजूफाइट्स एल्गा क्या होते हैं, देखो कुछ इंडोजूफाइटिक एल्गा क्या होते हैं, नाम को अगर पकड़ लेंगे तो आपको समझना टर्म आसान हो जाएगा। टर्म को समझिए, इंडो मींस इनसाइड, जू मींस क्या होता है, एनिमल। जब कोई एल्गा किसी एनिमल के इनसाइड बॉडी पार्ट में पाया जाता है उसे कहते हैं इंडोजूफाइट, इंडोजूफाइट्स। देखो लिखा गया ना इंडोजूफाइट्स, जू मींस एनिमल, वहां पे क्या था, इंडोफाइटा था, इंडो मींस इनसाइड, फाइटा मींस प्लांट होता है, यहाँ क्या लिखा है इंडोजूफाइटा, या कहते हैं इंडोजोइक एल्गा, या कहते हैं इंडोजोइक एल्गा। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इंडोजोइक एल्गी, इस नाम से भी आता है इंडोजोइक एल्गी भी से कहा जाता है, इस नाम से भी आपसे पूछ सकता है, याद रखने की जरूरत आपको है इंडोजोइक एल्गी। इस तरह से आप देखोगे कि सर्टेन एल्गा, सर्टेन एल्गी अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल्स, जो दूसरे बॉडी में पार्ट में पाए जाते हैं। देखो देखो सर्टेन एल्गा अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ एनिमल, कुछ एल्गा दूसरे एनिमल के इनसाइड बॉडी पार्ट में पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं एंडोजूफाइट्स। जैसे जूक्लोरेला का नाम सुना होगा, जूक्लोरेला कई बार एग्जाम में आया, डायरेक्ट जूक्लोरेला इनसाइड द बॉडी ऑफ हाइड्रा, हाइड्रा के बॉडी में पाया जाता है जूक्लोरेला, डायरेक्ट क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में है, याद कर लो, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। जैसे जूजैंथेली, देखो लिखा हुआ है जूजैंथेली, जूजैंथेली फाउंड इनसाइड द फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, स्पॉन्ज के बॉडी में अंदर में जो पाया था स्पॉन्ज, जो फ्रेश वाटर स्पॉन्ज जो होते हैं ना उनके बॉडी के अंदर जूजैंथेला एल्गा पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जूजैंथेला इज आर द सिंगल सेल डाइनोफ्लैजेलेट दैट आर एबल टू लिव इन द सिम्बियोसिस विद द मैराइन इनवर्टिब्रेट्स सच एज द कोरल्स, जेलीफिश एंड सी एनिमल्स। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाएगा। जूजैंथेला क्या होता है, सिंगल सेल डाइनोफ्लैजेलेट होते हैं जो सिम्बियाटिक एसोसिएशन भी करते रहते हैं, याद रखिएगा सिम्बियाटिक एसोसिएशन किसके साथ करते रहते हैं, इनवर्टिब्रेट जैसे कोरल्स, जेलीफिश एंड सी एनिमल्स, सी एनिमल्स के साथ में क्या करते हैं, सिम्बियोसिस के साथ में भी रह सकते हैं। तो कभी ये नाम पूछ लेगा कि जूजैंथेला, यहां तो लिखा है इंडोजूफाइट्स जो उनकी बॉडी के अंदर पाए जाते रहते हैं, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है जो डायरेक्ट आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में है, कई बार रिपीट हुआ है, जूक्लोरेला आर फाउंड इनसाइड द हाइड्रा वेरिडेस, हाइड्रा वेरिडेस जो सिलेंट्रेट्स है, सिलेंट्रेट्स है जो एनिमल, सिलेंट्रेटा ग्रुप का एनिमल है, उसके बॉडी के अंदर पाया जाने वाला एल्गा का क्या नाम है, जूक्लोरेला, याद कर लो, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। सबको समझ में आ रहा है, एक बार मेरे को रिस्पांस करिए अंशुमान जी, बाकी जितने लोग भी हो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सायका जी, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, ये आपको क्या करना है, ये एल्गा बहुत इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेता है, एंडोजूफाइट्स, जूक्लोरेला को तो रिमेंबर कर लीजिएगा आप सभी लोग। ओके समझ में आ रहा है, किसी कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चन, चलो
तो वो भी आपको समझ में आ रहा है। तो ये वाला एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जू क्लोरेला फाउंड इन द इनसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ बिल्डिंग, कई बार आया हुआ हाइड्रोब्रिडिस के बारे में कौन पाया जाता है। ओके आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा देखिए कौन सा एल्गा और पाया जाता है, देखो लिखा है इस बार क्या लिखा है, ईपी जू फाइट्स देखो लिखा है ईपी जू फाइट्स ईपी जू फाइट्स देखो ईपी मीन्स क्या होता है आउटसाइड, जू मीन्स क्या होता है एनिमल, जो एनिमल के बॉडी के ऊपर पाया जाता है। इंडो जू फाइट्स का मतलब क्या था, जो इनसाइड एनिमल के बॉडी के अंदर पाया था, जैसे जू क्लोरेला उसकी बॉडी में पाया जाता था। लेकिन ईपी जू फाइट्स का मतलब जो एनिमल के बॉडी पे आउटर सरफेस पे पाया जाता है उसे कहते हैं ईपी जू फाइट्स, याद रखिएगा बहुत बार आता है एग्जाम में, डायट क्वेश्चन आता रहता है। देखो देखो ईपी जू फाइट्स का मतलब क्या होता है, एल्गा ग्रोइंग ऑन मॉलस्क सेल फिशेस टर्टल्स, ऐसा एल्गा जो मोलस्क की सेल के ऊपर, मोलस्का ग्रुप के जो एनिमल्स होते हैं उनकी सेल के ऊपर, या फिशेस जो मछलियां होते हैं उनके बॉडी पार्ट पे, या कहते हैं टर्टल्स जो टर्टल के बॉडी पार्ट पे ग्रो करते रहते हैं उन्हें कहते हैं ईपी जू फाइट। ईपी मीन्स आउटसाइड, जू मीन्स एनिमल, फाइटा मीन्स एल्गा जो उस पर ग्रो कर रहा है, जो प्लांट ग्रुप का नेचर है। तो देखो लिखा गया है जैसे प्रोटेरोडर्मा, याद रखिएगा कैरासियम कारा ये सब कहाँ ग्रो करते रहते हैं, देखो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन आता रहता है इसका। यहाँ पे मैं पढ़ दे रहा हूँ कुछ कॉमन एल्गा का नाम, जैसे लिखा गया है देखिए आप लोग, देखिए आप लोग लिखा गया है सर्टन एल्गा फाउंड ऑन द एक्वेटिक एनिमल सच एज द टर्टल मोलस्क सेल फिशेस स्पीसीज ऑफ क्लैडोफोरा ग्रो ऑन द मोलस्का सेल, याद रखिएगा क्लैडोफोरा जो ग्रीन एल्गा है, क्लैडोफोरा क्या करता है मोलस्का की सेल पे ग्रो करता है, ग्रो ऑन मोलस्का सेल मोलस्का के सेल पे ग्रो करता रहता है, मोलस्क सेल पे ग्रो करता रहता है उसे क्लैडोफोरा कहते हैं। ईपी जो फाइट्स का एग्जांपल है प्रोटोडर्मा एंड बेसिक्लेडिया अकर ऑन द बैक ऑफ द टर्टल, प्रोटोडर्मा एल्गा और बेसिक्लेडिया एल्गा कहां ग्रो करता है टर्टल के बैक पार्ट पे ग्रो करता रहता है। देखो कैरासियस एंड कैरासियम कारा, देखो लिखा ना कैरासियोसिस एंड कैरासियम अकर ऑन द पोस्टीरियर एंड इंटीरियर लेग ऑफ द ब्रैंकियोपस स्पीसी, देखो लिखा गया है ब्रैंकियोपस, ब्रैंकियोपस जो होता है उसके पिछले वाले पोर्शन पे ये दोनों पाए जाते रहते हैं, कौन कौन कैरासियोसिस और कैरासियम एल्गा पाए जाते हैं जो कहते हैं ग्रीन एल्गा के रूप में आ जाते हैं, कोरल्स का अलग ग्रुप बना दिया गया है। तो कारा ये भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है डायरेक्ट। तो ये नाम याद रख लेना, क्लैडोस्पोरा मोलस्का सेल पे ग्रो करता है एज ए ईपी जू फाइट्स, कई बार एग्जाम में आया है डायरेक्ट यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो मैं जो क्वेश्चन रिपीट हुए ना उनको तो मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो कुछ याद रहे ना रहे लेकिन इन एल्गा का तो नमू जरूर याद रखिएगा। जैसे जू क्लोरेला इंडोफाइट होता है हाइड्राविरिडिस के बॉडी में, ऐसे ईपी जू फाइट्स में क्लैडोफोरा ग्रो ऑन द मोलस्का सेल पे, तो ये याद रखना जरूर। देखो ये तो मैंने आपको बता ही दिया प्रोटोडर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में आया है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है सम एल्गा, कहते सम एल्गी ग्रो ऑन एज अ पैरासाइट अपॉन द अदर प्लांट्स, कुछ एल्गा होते हैं जो दूसरे प्लांट के ऊपर पैरासाइट के रूप में ग्रो करते रहते हैं उन्हें कहा जाता है पैरासिटिक एल्गा। और कई बार ये क्वेश्चन तो कितनी बार रिपीट हुआ आपके एग्जाम में, सिफिलोरास वायरसेंस जो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, सिफिलोरास वायरसेंस जो होता है ये देखो ये क्या करता है दूसरे प्लांट के ऊपर
ग्रो करता रहता है। और डायरेक्ट कितनी बार आया एग्जाम में देखो, कितनी बार डायरेक्ट आया है देखो, लिखा गया द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स, मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द सिफिलोरस वायरसेस, यही क्वेश्चन डायरेक्ट आया है, सिफिलोरस वायरसेस विच कॉजेस द डिजीज, देखो लिखा गया डिजीज इन द टी ऑफ द आसाम, कौन सी डिजीज कॉज करता है, रेड रस्ट ऑफ द टी, याद रखना कितनी बार एग्जाम में आया है, रेड रस्ट ऑफ टी, रेड रस्ट ऑफ टी डिजीज कॉज बाई, जैसा कि हम जानते हैं कोई वायरस का समझ लेते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये एल्गा है, पैरासिटिक एल्गा जो बहुत कम मिलते हैं, इस वजह से सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में आया है। पैरासिटिक एल्गा का नाम बताओ जो रेड लिखा गया है, रेड रस्ट ऑफ टी, रस्ट का नाम आता है ना तो हमको फंगस याद आने लगता है, पॉक्सिनिया की याद आने लगती है, याद रखिएगा रेड रस्ट ऑफ टी जब कभी आएगा ना तो फंजाई के साथ कंफ्यूज आओगे, और ऑप्शन में पॉक्सिनिया ग्रैमिनिस का नाम आ जाता है, पॉक्सिनिया का नाम आ जाता है, लेकिन याद रखिएगा ये डिजीज कितनी बार आया, रेड रस्ट ऑफ टी किससे होता है, सिफिलोरस वायरसेस, याद रखना ये देखो लीप में दिया गया है, आसाम में इन सब में जो होता है, आसाम जहाँ पे सबसे ज्यादा टी का प्रोडक्शन होता है वहाँ लीफ के ऊपर ये फंगस लग जाता है और डिजीज कॉज करता रहता है। तो ये बात आपको बहुत इजीली समझ में आ गई होगी, देखो देखो जो मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे देखिए ये लीफ है, ये लीफ वाला पोर्सन है जहाँ पे ये स्पॉटेड बने हुए हैं, ये स्पॉटेड बने हुए, देखो ये स्पॉटेड सेफिलोरस का, तो कितनी बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आया हुआ है। आगे देखिए लिखा गया थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ऐसे एल्गा जो हाई टेम्परेचर में ग्रो करते हैं उसे कहते हैं थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट्स आर दोज एल्गा विच आर ग्रोइंग इन द हाई स्प्रिंग, कहते हैं ना हाई स्प्रिंग वाटर्स, हाई टेम्परेचर वाटर जो फाउंड इन द हॉट स्प्रिंग ऑफ द मेनी कंट्री, जो बहुत ही हॉट वाटर होता है, जो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर जहां होता है जिस वाटर का, वहां पे भी ग्रो करते हैं। कितनी बार एक क्वेश्चन आया थर्मोफाइट्स का, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया का नाम सुना होगा, एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, बीजीए है, साइनोफाइसियन एल्गा होता है जो मोर देन 70 डिग्री टेम्परेचर पे भी ग्रो करता है, कहते 76 डिग्री टेम्परेचर से भी ऊपर ग्रो करता रहता है। यहाँ पे देखो नाम दिया क्लोरोकोकल्स, क्लोरोकोकल्स मेंबल जो होते हैं ये क्या है, हाई टेम्परेचर में ग्रो करते रहते हैं। इसके अलावा कौन ग्रो करते रहते हैं, इनका नाम जानो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो लिखा गया है दस मिक्सोफाइसी यानी ब्लू ग्रीन एल्गी जनरली क्या करते हैं, हाई टेम्परेचर वाटर में ग्रो करते रहते हैं, जिन्हें कहा जाता है थर्मोफाइट्स, थर्मोफाइट देखो जैसे यहाँ पे दिया होगा, यहाँ के मोर देन 70 डिग्री टेम्परेचर में होता है, ऑसिलेटोरिया का नाम से होगा, ऑसिलेटोरिया आया है कई बार एग्जाम्पल है, ऑसिलेटोरिया ब्रेविस, ब्रेविस ऑसिलेटोरिया ब्रेविस जो होता है ना मोर देन 70 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन तो है, हाई टेम्परेचर में ग्रो करता रहता है अप टू द 85 डिग्री टेम्परेचर में ग्रो करता रहता है, याद रखने की जरूरत है। देखो तो ये था एल्गी ऑफ अनयूजुअल हैबिटेट, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। अभी मेरा नया लेक्चर स्टार्ट होने वाला है एपोप्टोसिस के बारे में, जो 3 से 4 बजे का सेशन है, तो एल्गी का क्लास आज यही है, अगला टॉपिक जो मेरा स्टार्ट होने वाला है सीएसआईआर के लिए एपोप्टोसिस वर्सेस नेक्रोसिस, जिसके बारे में लेक्चर लूंगा, वहां से क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी में भी आ जाता है एपोप्टोसिस और